हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए झांसी की रानी कविता से संबंधित 65 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाएंगे प्रश्न यहाँ से। ये जो टॉपिक है इकाई 9 में लगा हुआ है मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य में। जो लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार का नोट्स एमसीक्यू चाहिए तो सारे के सारे पीडीएफ फॉर्म मिलेंगे, जो कि पेड पीडीएफ होंगे। व्हाट्सएप नंबर दिया रहा, उस पर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कितना कितना किससे एमसीक्यू रहेगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा तो वहाँ पर सारे के सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे आपको। तो व्हाट्सएप नंबर है 7004501486, यह व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। जो इंटरेस्टेड हैं, जिनके पास टाइम नहीं है और क्यों रिवीजन चाहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट मटेरियल आपके लिए होगा। शुरुआत करते हैं हम लोग। सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्रवादी कविता झांसी की रानी उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो विकल्प डी हो जाएगा, त्रिधारा। प्रश्न संख्या 2, किस समय की घटना को लेकर झांसी की रानी कविता लिखी गई थी? 1857 के सिपाही विद्रोह। विकल्प ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य सम्मेलन में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो शेख सरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मिला तेज से तेज कृति संबंधित किससे है? तो सुभद्रा जी एवं उनके पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह के जीवन से है। नेक्स्ट प्रश्न है, झांसी की रानी कविता में किस रचना का जिक्र आया है? मिला तेज से तेज। नेक्स्ट प्रश्न है, झांसी की रानी कविता में किस ब्रिटिश गवर्नर की बात है? तो विकल्प सी डलहौजी। झांसी की रानी किसी कृति है? तो विकल्प डी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न संख्या 8, झांसी की रानी काव्य में झांसी की कौन सी रानी की बात कही गई है? तो विकल्प डी बी हो जाएगा, लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी किसकी गाथा सुनकर बड़ी हुई थी? तो शिवाजी। लक्ष्मीबाई किसके सहारा युद्ध लड़ रही थी? तो बंदूक, तीर, कटार, तलवार। तो विकल्प डी हो जाएगा, तलवार। सबने क्या पहचानी थी? आजादी की कीमत पहचानी थी। प्रश्न संख्या 12, छबीली कौन है? तो विकल्प डी हो जाएगा, लक्ष्मीबाई। प्रश्न संख्या 13, हिंदी साहित्य की वह कवित्री जिनका जन्म नागपंचमी को हुआ एवं मृत्यु बसंत पंचमी को हुई थी? तो विकल्प सी, सुभद्रा कुमारी चौहान को। प्रश्न संख्या 14, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी रचना बालोपयोगी कविताओं का संग्रह है? तो विकल्प सी, सभा के खेल। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है? तो झांसी की रानी उपन्यास। अगर कविता रहता तो बिल्कुल सही उत्तर होता, लेकिन झांसी की रानी उपन्यास ये सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है। प्रश्न संख्या 16, बिखरे मोती के रचयिता है? विकल्प सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न संख्या 17, छबीली किसकी मुंह बोली बहन है? तो विकल्प सी, नाना साहेब। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्ष्मीबाई के पिता के कितने संतान थे? केवल एक। प्रश्न संख्या 19, नाना साहब कहाँ के थे? तो कानपुर के थे। लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी? बरछी, कृपाण और कटारी, ढाल। तो ये सभी हो जाएंगे, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 21, लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं जवानी याद थी? तो शिवाजी। प्रश्न संख्या 22, छबीली का प्रिय खेल क्या था? तो नकली युद्ध और व्यू रचना, सैन घेरना, दुर्ग तोड़ना, इनमें सभी। लक्ष्मीबाई की आराध्या कौन थी? भवानी। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्ष्मीबाई का ब्याह किसके साथ हुआ था?
तो विकल्प बी गंगाधर राव से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभद्रा जी कहाँ के रहने वाली थी? तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कोल्हापुर की। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो विकल्प सी इलाहाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री मानी जाती है। प्रश्न संख्या 28, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? तो विकल्प सी प्रायश्चित, बाकी विक्रमती, मुकुल और त्रिधारा, ये सारे सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य, उसके भिन्न भिन्न रूप और अपनी आमरणहीन प्रकृत शैली में प्रकट हुए हैं, किसका कथन है ये? तो मुक्तिबोध का है। बिखरे मोती क्या है? तो ये कहानी संग्रह है, विकल्प डी। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह क्या है? मुकुल। नेक्स्ट है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? ठाकुर रामनाथ सिंह था। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरे नया बचपन कविता किसने रचना किसने की? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कौन सी है? तो वीरों का कैसा हो बसंत। नेक्स्ट है, राष्ट्रीयता एवं मानवता की कोमल सौरों को झंकृत करने वाली कविता किसको कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान को। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की किस काव्यधारा कवित्री मानी जाती है? राष्ट्रीय चेतना काव्यधारा की कवित्री मानी जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? इरावती, पद्मावती, काठ का सपना, सभा खेल। तो ये काठ सभा का खेल हो जाएगा, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 39, कविता के अनुसार चित्रा ने किसको पाया है? तो विकल्प डी अर्जुन। प्रश्न संख्या 40, जब गंगाधर राव की मृत्यु हुई तब कौन खुश हुआ? तो विकल्प डी डलहौजी। फिरंगी लोग क्या बनकर आए थे? तो विकल्प बी व्यापारी। प्रश्न संख्या 42, पेशवा कहाँ कैद था? तो बिठूर में। राजा रानी के गहने और कपड़े कहाँ बिकते थे? तो कलकत्ते के बाजार में। डलहौजी क्यों खुश हुआ? राज हड़पने के लिए खुश हुआ। कौन युद्ध का सामान जुटा रहा था? तो नाना धुनू पंत पेशवा। नेक्स्ट प्रश्न है, छबिली ने किसका रूप धारण किया था? तो रणचंडी का रूप धारण किया था। नेक्स्ट है, लड़ाई में किसने अपनी कुर्बानी दी थी? तो ये सभी हो जाएंगे। किसके बीच द्वंद्व युद्ध हुआ था? तो वाकर और लक्ष्मीबाई के बीच में वाकर युद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 50, रानी के साथ युद्ध में कौन कौन थी? तो कान्हा और मांदा दोनों, ये भी दोनों हो जाएगा। लक्ष्मीबाई की मृत्यु के समय उनकी आयु कितना था? तो 23 वर्ष। किसने सैन्य के साथ चारों ओर रानी को घेर लिया था? हिरोच। नेक्स्ट प्रश्न है, झांसी की रानी कविता में झांसी की रानी की जोड़ी किसके समान बताया गया है? तो ए और बी हो जाएगा, शिव पार्वती और अर्जुन चित्रा दोनों हो जाएंगे, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत शक्तिहीन हो चुका था। नेक्स्ट प्रश्न है, झांसी की रानी कविता में रानी की मृत्यु के पश्चात उनकी दिव्य सवारी किसे कहा गया है? तो चीता को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, झांसी की रानी अंग्रेजों से लड़ते हुए जा रही थी तब नए घोड़े के सामने क्या आ गया जहां से घोड़ा आगे नहीं बढ़ सका? तो विकल्प भी नाला।
झांसी की रानी कविता में घायल होकर गिरने वाली सिंहनी किसे कहा गया है? तो झांसी की रानी को कहा गया है। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर से किससे हार का सामना करना पड़ा? रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट प्रश्न है, जनरल स्मिथ के साथ युद्ध करते समय रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनकी कौन सी सखिया थी? तो काना और मांदरा। मांदरा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसका घोड़ा थककर भूमि पर गिर गया और स्वर्ग सिधार गया? तो रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई से जख्मी होकर कौन भागा? वाकर भागा था। झांसी की रानी कविता में स्वतंत्रता की चिंगारी कहाँ कहाँ से उभर कर आई थी? तो अंतर्मन से आई थी। तीर चलाने वाला हाथों में रानी लक्ष्मीबाई को क्या नहीं भाती थी? चूड़ियाँ। चित्रा की शादी किसके साथ हुई थी? अर्जुन के साथ हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आराध्या भवानी कौन थी? महाराष्ट्र कुलदेवी की थी। सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर किनकी रचना उस दौर में प्रेरणा स्रोत थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। यह था आज का अंतिम प्रश्न था, और जो लोग को इस प्रकार के पीडीएफ चाहिए, चाहे जितने मेरे पास कंटेंट है, जितना पीडीएफ है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम के लिए, वो सारे परचेस कर सकते हैं या यूट्यूब से भी देख के पढ़ सकते हैं जिनके पास टाइम है। और तो व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है 7004501486, ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन लेकर परचेस कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हैं तो। अगर आपके पास जो मटेरियल है या किसी और इंस्टीट्यूट संस्था से मटेरियल लिए हैं उसे अगर बेहतर लग रहा हो तो लीजिए, पढ़िए, जरूर जरूर इस पर प्रश्न ज़्यादा ज़्यादा पूछे जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।